मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी का कहर जारी, शेखपुरा डाब झील में तब्दील, नाविक वसूल रहे हैं मनमाना किराया। मुजफ्फरपुर बाढ़ के कहर से एक तरफ जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिले से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी के बाढ़ का पानी शहर से सटे इलाके में आफत बनकर चारों तरफ फैल चुकी है। भले ही बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर सिकंदरपुर में अब कम होने लगा है, किंतु बाढ़ से गिरे लोगों का संकट बरकरार है। खासकर शेखपुरा डाब के लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ आपको बताते चले कि अय्यारपुर थाना अंतर्गत शेखपुरा डाब चारों तरफ से बाढ़ के पानी में घिर जाने के कारण झील में तब्दील हो गया है। लोग अपनी छतों पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि नीचे सिर्फ पानी ही पानी है। यहाँ के लोगों के लिए आवागमन सबसे बड़ी समस्या है। अत्यधिक मात्रा में जल जमाव होने के कारण यहाँ के लोगों को रोजमर्रे की वस्तु लाने में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, और इसका फायदा निजी नाव वाले उठा रहे हैं। निजी नाव वाले आने जाने वाले लोगों से मनमाना भाड़ा वसूल कर रहे हैं। कहने के लिए शेखपुरा डाब में दो सरकारी नावें भी चलाई जा रही थी, पर हकीकत तो ये है कि जरूरत के वक्त यह नाव लोगों को नजर ही नहीं आती, जिसका नतीजा है कि जहां का उचित भाड़ा 10 रुपए है, वहां के निजी नाव वाले द्वारा 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक लिया जा रहा है। वहीं रात के समय में यह भाड़ा 100 रुपए से 200 रुपए तक हो जाता है और मजबूरी वश लोगों को देना पड़ता है। इसके चलते कुछ लोगों ने थर्माकोल से जुगाड़ नाव बना ली है, जिससे कई तरह के या लोग अपनी जरूरत का राशन पानी लेने निकल जाते हैं। यहाँ अत्यधिक दुखद मगर कुटु सत्य यह है कि शेखपुरा डाब की करीब 10,000 की आबादी हर एक साल इस मौसम में 3 से 4 महीने तक बाढ़ एवं वर्षा की तबाही झेलती है। इनकी बदहाली की दास्ता कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री, सांसद, विधायक यहाँ तब आते हैं जब चुनाव होता है। जाहिर है कि आज भी इस शेखपुरा डाव को एक उदारक की तलाश है। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www